एक मसला यह भी है कि हम मजलिसों में जाते हैं, दर्श देते हैं, उलमा हमें बहुत कुछ बताते हैं, इमाम की रवायतें बताते हैं, हम सवाब लेके चले आते हैं, सीखते कितना है। एक छोटी सी मिसाल है जो बहरहाल हमको बताती है कि हम बहुत वेल डिसिप्लिन नहीं हो रहे हैं। मस्जिदों में या इमामबाड़ों में जाने के लिए चप्पलें बाहर उतार के जाया जाता है, सब जगह पर। उन चप्पलों को जैसे उतारिए सही ढंग से उतार के जाइए, और जब लोग लौटते हैं तो कम से कम उसमें यह एहतियात करें कि अपनी चप्पल पहन ले, दूसरों की चप्पलों को गंदा न करें, कचले नहीं। अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों की चप्पल को कुचलते हुए अपनी चप्पल पहन लेते हैं, दूसरों के जूते ख़राब हो जाते हैं, दूसरों की चप्पलें ख़राब हो जाती हैं, बिखर जाते हैं, एक पैर इधर तो दूसरे पैर कहीं चला जाता है। दिखाई ये देता है कि हमने अपना काम कर लिया, अपना जूता और चप्पल तो तलाश लिया, पहन के निकल गए, दूसरे के जूते चप्पल का क्या हाल हुआ इसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। यह अहले बैत की सिखाई हुई तरीके नहीं है। अहले बैत की टीचिंग्स ऐसी नहीं थी। अहले बैत की टीचिंग्स यह है कि दूसरों को आपकी जात से कोई तकलीफ न पहुंचे। पता चला जब दूसरा शख्स आया, आने के बाद कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, ढूंढ रहा है, उसकी चप्पलें नहीं मिल रही, अगर मिली अच्छा जूता पॉलिश करके आया था, उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो पहन के जाने में भी शर्म करे। तो ये हालत किसी और ने नहीं की है, ये हम ही ने की है, वही नहीं लोगों ने की है जो अहले बैत की मोहब्बत में फर्श अज़ा पे बैठे हुए थे, जो अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में आए थे। क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं? ज़हन इसको कबूल नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है। फिक्र की बात है, एक सवाल है, क्यों होता है? क्या मस्जिदों से आने के बाद भी हम समझ में नहीं आती, हमारे हम में कोई बदलाव नहीं आया? क्या इमामबाड़ों से मस्जिद से सुनने के बाद भी हम में कोई बदलाव नहीं आया? बदलाव आना चाहिए, यकीनन हम यकीन करते हैं कि इस पे भी लोग गौर फिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे से जब भी जाए दूसरों की चप्पलों को खराब ना करें, बिगाड़े नहीं, अपना जूता चप्पल ख्याल रखें। और यह हर एक की जिम्मेदारी है, बल्कि जहां पे चप्पलें उतारी जाती हैं वहां पे इंतजामिया को बोर्ड लगाना चाहिए कि ख्याल करें, और अगर उनके पास सहूलियत है या कोई शख्स है तो यकीनन चप्पल या जूतों को, जैसे दरगाह वगैरह में देखा है मैंने कि लोग एहतमाम से रख देते हैं, और रखने के बाद जब आदमी आता है तो उससे ले लेते हैं। हाँ, आप चार्ज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, करीब है उससे ना लीजिए, लेकिन दो चार पाँच दस रुपये दे देता हर आदमी, चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन ख्याल जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।